हेलो दोस्तों, तो यूट्यूब पे धमाकेदार बड़ा अच्छा अपडेट आया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस अपडेट का हमें सालों से इंतजार था, ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट है, वो मैं आपको बताऊँ तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। वो अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला हमारा अपडेट है कॉपीराइट क्लेम से लेकर, जैसे कि हम अपनी वीडियो में कोई या साउंड यूज़ करते थे या कोई म्यूजिक यूज़ करते थे, है ना, तो उस कंडीशन में या तो वो कॉपीराइट फ्री होता था या उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम लग जाता था हमारी वीडियो पर। किसी म्यूजिक कंपनी का कोई म्यूजिक ले लिया, अपनी वीडियो में लगा लिया, तो इस कंडीशन में हमें कॉपीराइट क्लेम देखने के लिए मिल जाता था। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे, तो अपने वाइट स्टूडियो में से जाकर अपने उसको या म्यूट कर सकते थे या म्यूजिक हम चेंज कर सकते थे या उस पार्ट को हम ट्रिम कर सकते थे। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती थी। एक नया फीचर आया है उसमें, इरेज साउंड के नाम से एक नया फीचर आया है। इससे क्या होगा, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं ना, बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा है जिस पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है ना, तो आप उस गाने को इरेज कर सकते हैं। तो जी काफ़ी अच्छा फीचर, जी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरी मॉल के इसकी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com। तो दोस्तों गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर इसको कर लेना है। डेस्कटॉप साइट आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको व्यू योर चैनल पे करना है क्लिक। व्यू योर हेलो नमस्ते, यहाँ पर आप कस्टमर चैनल पे करना है क्लिक। यहाँ पर आप कस्टमर चैनल पे क्लिक करने बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप स्टूडियो में ओपन हो जाएंगे क्रोम साइड पर, है ना। इस पर ओपन होने के बाद यहाँ मैं कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ फिल्टर में लगा ले, तो जिस वीडियो में मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है यहाँ पर मैं कह दूँ कॉपीराइट, और इसको अप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर मेरी दो वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है, कॉपीराइट क्लेम आया यहाँ पर देखें, कॉपीराइट क्लेम आया। तो इसको मैं ऊपर वाले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद है ना, तो मोनेटाइजेशन भी डिसेबल है यहाँ पर मेरा। तो यहाँ पर मैं कॉपीराइट पे करता हूँ क्लिक, यहाँ सी डिटेल पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 52 सेकेंड से लेकर 3 मिनट 24 सेकेंड तक मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट सेक्शन पे क्लिक करा, सिलेक्ट सेक्शन में क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आप अपने जो वीडियोस को ट्रिम भी कर सकते हैं और रिप्ले सॉन्ग भी कर सकते हैं, म्यूट सॉन्ग भी कर सकते हैं, या आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं ना। तो इसके आगे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं इरेज साउंड, इरेज साउंड के नाम से ये ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, इरेज सॉन्ग आप क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, तो आपका जो कॉपीराइट क्लेम वो आपका इजीली हट जाएगा। जैसे कि आपके वीडियो में आप बोल रहे हैं, है ना, वो आवाज़ आपकी रहने वाली है, जो आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है जिस म्यूजिक से कॉपीराइट क्लेम आ रहा था वो आपका हट जाएगा, जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है वो रह जाएगी, है ना। तो ये अपडेट हमारा कुछ ही दिनों में सबके लिए रोल आउट होने वाला है, कुछ ही दिनों में सबके लिए आने वाला है। तो आपको जी वीडियो चलिए वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।